गाइस मैं गुराम प्रसाद आठ और आप देख रहे हैं हमारे बी आई पी एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल। आपने सभी ने देखा होगा ये हो रहा कहां से आते ये मोटरसाइकिल में लगता है। अभी हमारे पास साइकिल का ओरन नहीं है, अब साइकिल के ओरन चाहिए क्योंकि साइकिल के घंटे भी खराब हो जाती है। वो तो उसके आगे हम बजाएं क्या, कोई सामने आ जाए टक्कर लग जाए तो यानी खराब हो जाता है काम। तो ये है ना स्पीकर है, इसे आप सभी जानते होंगे। ये स्पीकर बजता है और आज हम इसे कुछ और ही काम में लेंगे। हम तो वैसे ही करेजी अलग ही करते हैं वैसे सबको सब हट के। ये इस हॉर्न की जगह हम इस स्पीकर का काम करेंगे और स्पीकर में मैं बता दूंगा आपको कैसे करना है। आप भी कर सकते हो, हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, हमारे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना और नीचे लाल कलर का बटन है उसको दबाकर कर देना। वो यार आपका कैसे रहता है सब्सक्राइब करने में, बिल्कुल फ्री की चीज है, कर देना भाई। और मैं करता हूँ शुरू। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार गाइस, ये स्पीकर है, इसमें हम ये तार है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो इसको थोड़ी सी हट गया, इसको लगाते हैं। रुको, हम ये तार लगाते हैं और मैं चार्जिंग की मदद से कर रहा हूँ, पुराना चार्जिंग है, इसकी मदद से आप चाहो ना तो बैटरी की मदद से ले सकते हो। अभी हमारे पास बैटरी है वो डिस हुई है तो उसको चार्जिंग करने में टाइम लगेगी, तो इसलिए तो इस तरह हम इसको लगाते हैं तो थोड़ी सी आवाज़ आती है टक टक की। तो अब इसको इस तरह लगाएंगे तो फौरन बनेगा नहीं। तो ये है ना ये तार, ये अंदर आपको दिख रहा होगा, देख लो इस तार के यहाँ पर अड़ाओगे ना करोगे ना तो ऐसी आवाज आएगी। तो ये ओरन हो गया ना हमारा। अब इसको ना ये मैग्नेट है तो आप इसको साइकिल पे ऐसे चिपकाओगे ना तो ये चिपक जाएगा। और ये तार मैं बताते रहता हूँ आपको कैसे लगाना है, मैं सोल्डरिंग करके दिखा देता हूँ आपको, वैसे ही लगाना है और वैसे ही आप साइकिल को कर सकते हो। और मैं भी आपको दिखाता हूँ और सोल्डरिंग करते हैं। गाइस हम इसको यहाँ पर सोल्डरिंग करना है, एक तो यहाँ पर ही करना है ना। ये सोल्डरिंग हो गया, अब एक तार को हमको यहाँ पर सोल्डरिंग करना है। देखो यहाँ पर इस तरह स्किन इसको हम देख लेंगे और इसको चिपकाना ही है ना। तो यहाँ पर सोल्डरिंग वायरिंग ये कराता हूँ, थोड़ी सी यहाँ पर इसको घस लेना है तो दिक्कत नहीं होगी, देखो अब दिक्कत नहीं होगी, इसको आपको घस लेना है ना फिर आपको दिक्कत ही नहीं होगी, नहीं तो ये चिपकने में बहुत ज़्यादा दिक्कत करेगा। देखो अभी मैं ऐसे कर रहा है इसको घिसने के लिए, रेती से भी घिस सकते हो इसको, ये थोड़ी सी दिक्कत करेगा। और आपसे यहाँ पर सोल्डरिंग नहीं होता ना तो आप इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हो, अगर डायरेक्ट मैं लगा कर दिखा रहा हूँ लेकिन क्या होता है फिर मैं एक और बता दूंगा, लेकिन डायरेक्ट लगा सकते हो या नहीं। तो आपको बढ़िया तरीके से हॉर्न भी बना सकते हो और बैटरी वापस चार्जिंग कर लगा सकते हो, वापस फिर करके ऐसे लगा सकते हो और कर सकते हो आप। अब इसको सोल्डरिंग कर देते हैं तो यहाँ पर बढ़िया तरीके से यहाँ पर कर सिर्फ पर्दा को नहीं बांधना आपको। ये सोल्डरिंग हो रहा है या नहीं ये पता नहीं सर, यहाँ पर मुश्किल से होगा सोल्डरिंग मेरे हिसाब से। तो चलो हम यहाँ पर तो कर सकते हैं ना इसको सोल्डरिंग, फिर वही गड़बड़ होगी ना।
भाई हमने यहाँ पर घस घसा के सोल्डरिंग कर दी। आप इसको घस किसी से घस लेना रहती की मदद से किसी से, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। अब इसको हमको यहाँ पर टच करना है, सिर्फ टच ही करना है। अब ये टच हो गया है, अब हम आपको इसको ऑन करके दिखा देते हैं। आप इस बैटरी की मदद से भी कर सकते हो, मैं भी चार्जिंग की मदद ले रहा हूँ, है ना। तो भी इसको पकड़ के यहाँ, अब इसको आराम से जैसे प्लस में प्लस लगाना और माइनस में माइनस, ये लग गया था। अब यहाँ पर आप स्विच भी लगा सकते हो, जैसे बटन। कर रहा काम, कर रहा काम, बिल्कुल अभी कर सकते हो। अगर इसको सीधा करना भाई, ये स्पीकर है और इसमें कोई तार कहीं से नहीं जोड़ सकते। ऐसे करके भी दिखा दे, और इसमें सिर्फ चार्जिंग की मदद से तो आप इसे कर सकते हो। और हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, हमारे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, और आप इसे वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही आईडिया के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।